हर हर महादेव। प्यारे भाई बहनों, साल 2023 में सिर्फ एक ही शनि प्रदोष व्रत है। जी हां दोस्तों, वह भी जुलाई के माह में है। जुलाई माह दूर नहीं है दोस्तों, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखें। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसको रखने के लिए लोग बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह व्रत बहुत कम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो संतानहीन दंपतियों को शनि प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है। जी हाँ दोस्तों, महादेव की कृपा से व्यक्ति को संतान सुख मिलता है। तो प्यारे भाई बहनों, ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं कि शनि प्रदोष व्रत की तिथि क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 1 जुलाई दिन शनिवार को 1:16 पे, रात की बात हो रही दोस्तों, ये शुरू हो जाएगा और इस तिथि का जो समापन है वो 1 जुलाई को ही रात में 11:07 पर होगा। इस तरह से शनि प्रदोष व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, शनि प्रदोष व्रत का जो पूजा मुहूर्त है वो क्या रहेगा दोस्तों। साल के एकमात्र शनि प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 जुलाई को शाम में 7:23 से रात को 9:24 तक है दोस्तों। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसमें भी शाम 7:23 से रात 8:39 तक लाभ उन्नति का भी मुहूर्त है। तो उस दिन आप शनिदेव के साथ ही साथ महादेव की पूजा अर्चना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज। जी हाँ दोस्तों, 3 शुभ योग बन रहे हैं शनि प्रदोष के दिन। शनि प्रदोष व्रत के दिन शुभ योग जो 3 है वो इस प्रकार से हैं कि इस दिन प्रातः काल से लेकर के रात को 10:44 तक शुभ योग होगा। उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा जो अगले दिन तक, इसके अलावा उस दिन रवि योग भी बन रहा है। यह योग दोपहर में 3:04 से अगले दिन 2 जुलाई को प्रातः 5:27 तक रहेगा। अत्यंत शुभ व फलकारी माना जाता है दोस्तों। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि शनि प्रदोष व्रत के दिन शिववास भी है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत के दिन शिववास भी है। जो लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपने घर में या मंदिरों में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उनके लिए शुभ संयोग बना है। प्रदोष व्रत के दिन शिववास आपके लिए कल्याणकारी होगा। उस दिन शिववास सुबह से लेकर के रात को 11:07 तक है। तो इस दौरान आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना स्वयं भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं वो इस दिन विशेषकर उनकी पूजा आराधना अवश्य करें, आपके सभी रुके हुए काम इस दिन संपन्न हो जाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अवश्य समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस बार का शनि प्रदोष व्रत कितना महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हर हर महादेव मित्रों।